चुनावी बॉन्ड से चंदे को लेकर एसबीआई को बार बार सुप्रीम कोर्ट से जारी हुए आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने आज की डेडलाइन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दायर कर दिया। हलफनामे में एसबीआई ने अब तक पेश सभी विवरण की पुष्टि कर दी है। संजय, अगर एसबीआई की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो आदेश था उसके अनुसार सारी जानकारी दे दी गई है, तो क्या वाकई? जी हाँ, बिल्कुल, इसको ये माना जाए कि इस पूरे मामले में अभी तक जो ये हवन चल रहा था उसकी पूर्णाहुति हो गई है। इलेक्शन कमीशन इसे अपने तुरंत, कोर्ट ने कहा था कि फौरन से पेशतर जैसे आपको मिले वैसे आप इसको वेबसाइट पर डालिएगा, सार्वजनिक कीजिएगा। अब ये देखना होगा इसमें कहीं कोई कोर कसर, कहीं कोई रोड़ा तो नहीं अटका है या फिर सारी चीजें हो गई हैं। इसमें अब याचिकाकर्ता भी ये देखेंगे, छिद्रान्वेषण करेंगे कि उसमें कौन सी चीज ऐसी रह गई जिसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है या फिर सारी चीजें हैं। तो ऐसे में फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अभी थोड़ी देर पहले हलफनामा दाखिल करके बता दिया है कि उन्होंने थोड़ी दोपहर तक ये पता चला था कि निर्वाचन आयोग तक एसबीआई की टीम पहुंची है और उन्होंने निर्वाचन आयोग को कॉपी दी है और उसके साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिपालन की हुक्म के तामील हुई मेरे आका टाइप वो दे दिया गया है और इसके साथ ही उसमें ये सारी चीजें बता दी गई हैं जो कोर्ट ने आदेश दिए थे उसके मुताबिक जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर मांगे गए थे वो सारी चीजें हमने उसमें बता दी है। हमारी तरफ से अब कोई कोर कसर बाकी नहीं है।